Good morning, students. Today we are going to read remaining part of this chapter. In previous video, we read about components of flash window, about line tool, pen tool and pencil tools. In this video, we read about some selection and coloring tools. Number one is selection tool. सिलेक्शन टूल को एरो टूल भी बोला जाता है। ये टूल स्टेज पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। नंबर टूल नंबर सेकंड इज लासो टूल। लासो टूल किसी भी ऑब्जेक्ट के इररेगुलर एरियाज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। मींस ये फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है और इससे हम माउस पॉइंटर को भी वैसे मूव करवा सकते हैं जैसे हम पेन या पेंसिल से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, पेन या पेंसिल को मूव करते हैं। नाउ वी रीड अबाउट कलरिंग टूल्स। नंबर वन इज ब्रश टूल। ब्रश टूल से हम कैनवास पर पेंट कर सकते हैं। फ्लैश प्रोग्राम में ब्रश टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक्स के जैसे पेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल ऐसे शेप्स को कलर से फिल कर सकता है जो या तो एम्प्टी हो या पहले से ही किसी कलर से उसमें फिल हो। किसी भी शेप में टू टाइप से कलर फिल कर सकते हैं हम। नंबर वन इज नॉर्मल फिल। इसमें हम किसी भी शेप में एक सिंगल कलर फिल कर सकते हैं। एंड नंबर सेकंड इज ग्रेडियंट फिल। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा कलर एंड शेड्स को मिक्स करके एक न्यू शेड फॉर्म करके शेप में फिल कर सकते हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी रीड how we can insert an object in our flash window. Now here we read how can we transform an object. So stage पर insert किए गए object को हम different manner से transform कर सकते हैं। जैसे हम किसी object को resize, flip और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव भी कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो फ्लैश हमें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेज पर ड्रॉ करना होगा एंड आफ्टर दैट फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को टूल्स पैनल्स में से सिलेक्ट करना होगा। हियर रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। यहाँ हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पर लेकर जाना है जो सिलेक्ट करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो चारों कॉर्नर उसके सिलेक्ट हो जाएंगे। उन सिलेक्टेड कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पर माउस पॉइंटर को लेकर जाना है। ऐसा करने से जो माउस पॉइंटर होता है वो कर्व्ड एरो या जिसको हम रोटेशन हैंडल भी बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो हमें एक फैंट मींस धुंधली आउटलाइन शो होगी। नाउ स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट। स्केलिंग मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना। हम फ्लैश प्रोग्राम में किसी ऑब्जेक्ट को टू वे से स्केल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पर माउस पॉइंटर ले जाकर क्लिक करते हुए उसको ड्रैग करना होगा। इससे उस ऑब्जेक्ट की हाइट एंड विड्थ सिमिलर वे से स्केल होती है। चाहे रिसाइज करेंगे हम, चाहे इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी हाइट एंड विड्थ जो है सिमिलर सेम वे से ही इंक्रीज और डिक्रीज होगी। सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट के किसी भी साइड हैंडल पर जाकर क्लिक करके ड्रैग करना होगा। इससे वो ऑब्जेक्ट या इमेज की वही हाइट या विड्थ रिसाइज होगी जिसको हम ड्रैग कर रहे हैं। अगर हमने हाइट वाले कॉर्नर को रिसाइज किया है, ड्रैग किया है, तो सिर्फ हाइट ही इंक्रीज या डिक्रीज होगी।
Now we learn how we can flip an object. To flip an object, first we have to click on modify menu and then click on transform option. And after that we have to choose an option flip vertical or horizontal. जिस वे से हम उस इमेज को उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना चाहते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, उसमें से हमने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑप्शन चूज कर लेना है। नाउ इंपोर्टिंग ग्राफिक्स। इन दिस स्लाइड वी रीड हाउ वी कैन इंपोर्ट ग्राफिक्स इन अवर फ्लैश विंडो। सो फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड आफ्टर दैट इंपोर्ट, और आफ्टर दैट इम्पोर्ट टू स्टेज। जैसे ही हम इम्पोर्ट टू स्टेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उस इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स पर हमने उस इमेज की लोकेशन लोकेट करनी है या सेलेक्ट करनी है, या हम वहां पर उसको टाइप भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओपन बटन। जो भी हम सेलेक्टेड इमेज है वो हमारे फ्लैश विंडो के स्टेज पर ओपन हो जाएगी। और जैसे ही एक इमेज हमारे स्टेज पर ऐड हो जाती है, ओपन हो जाती है, हम उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमें अभी प्रीवियस हमने जो पढ़े हैं, स्केलिंग करना, उसको फ्लिप करना, रोटेट करना, रिसाइज करना, ये सारे ऑपरेशन हम उस इमेज या ग्राफिक्स पर कर सकते हैं। So, my dear schoolers, I hope you understand all these topics, and this is your homework. Read the page number 65 to 69 from your computer book. Thank you and have a nice day.